यदि पति तुम्हारी बात सुनता ही नहीं है, सबकी सुनता है तुम्हारी नहीं सुनता, दुनिया की दुश्मनी उसे तुमसे ही है ऐसा तुम्हें महसूस होता है, क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छा बेटा है अपनी माँ का, अपने पिता का एक आज्ञाकारी पुत्र है, अपनी बहन का तो एक ऐसा भाई है जिसकी मिसाल देती है बहन, अपने भाइयों का भी ऐसा भाई है जिसे मित्र की आवश्यकता नहीं, मतलब हर तरफ से तुम्हारा पति काबिल है, तभी तो वो तुम्हारा पति है, तुमने उसका हाथ थामा है, उसमें कुछ तो गुण देखे तुम्हारे पिता ने जो अपनी पुत्री को सौंप दिया उसे, परंतु तुम्हारे साथ उसका ऐसा व्यवहार क्यों है, वो तुम्हें इतना परेशान क्यों करता है, क्या है तुम दोनों के बर्थ के चार्ट में जो तुम दोनों के ग्रह मिलते ही नहीं है, टल ही नहीं करते, तुम दोनों के गुण नहीं मिलते हैं, या क्या कारण है राशि नहीं मिलती है, मूलांक नहीं मिलते कि बस तुम दोनों कुत्ते और बिल्ली की तरह झगड़ा करते रहते हो, जब भी तुम उसे कुछ बोलने जाती हो सुनना नहीं चाहता, जब तुम उसे कुछ समझाती हो उसे बुरा लग जाता है, उलझने बढ़ रही है इस रिश्ते में, खटास बढ़ रही है, दूरियां बढ़ रही है, इतना सुंदर संबंध इतना बिगड़ रहा है, इतना बुरा हो रहा है कि तुम क्या ही कहो, तुम भी कुछ गलत काम कर रही हो, बात बात में अपने मायके फोन कर रही हो, उसकी कुरीतियां बता रही हो, तुम्हारे घर वाले गुस्सा होते हैं, परेशान होकर उसे फोन कॉल कर देते हैं, उल्टी पुल्टी बात बोलते हैं, इसकी वजह से तुम पर जो भी उसे प्यार आता था, जो भी उसके साथ दोस्ती थी वह भी खत्म हो रही है, तुम मौके को संभालना चाहती हो, हालात को सुधारना चाहती हो, इस रिश्ते को बुनना चाहती हो, परंतु क्या करूं तुम भी तो मनुष्य हो, घबरा जा रही हो, बात बिगड़ रही है और ये रिश्ता समय के साथ दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, फिर क्या करूं, जब कुछ बात समझ में ना आए तब आज का प्रयोग तुम्हारे लिए, वह रोड पर झगड़ा शुरू करता है और झगड़ते झगड़ते घर तक आता है, ऐसा लगता है ना उसकी इज्जत है जरा सी भी ना तुम्हारी इज्जत है, तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि आखिर इस व्यक्ति के साथ मैं जीवन पर्यटन कैसे चलूंगी, मैं क्या करूंगी इसके साथ चलकर, और छोड़ भी कैसे दूं कि दो घरों के सम्मान का सवाल है, तुम्हारे भी पिता का चेहरा तुम्हें याद आता है और उसके पिता का चेहरा भी तुम्हें याद आता है, कैसे त्याग दूं इस ससुराल को जहां सब बेटी की तरह आपको मानते हैं, कितनी उम्मीदें सब रखे हैं, आई है बहू अब सब कुछ संभाल लेगी, भला सब कुछ छोड़कर कैसे यहां से चली जाऊं, परंतु जिस व्यक्ति के भरोसे तुम आई हो वही तुम्हारा नहीं, तो भला किसके साथ मैं रहूं यहां, जीवन किसके भरोसे मैं आगे बढ़ाऊं, यह सब बातें तुम्हें इतना अधिक परेशान कर रही है कि तुम समझ ही नहीं पा रही हो कि अब तुम्हें करना क्या है, क्या निर्णय लेना है तुम्हें, आखिर वास्तव में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तो जब सिचुएशन ऐसी आ जाए, परिस्थिति ऐसी आ जाए और अपना मस्तिष्क काम करना बंद कर दे, प्रेम जिससे उम्मीद है वही सताने लगे, जो साथ चलेगा हाथों में हाथ डालकर, जिससे यह उम्मीद है जीवन भर, वही तुम्हें अपमानित करने लगे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा सौतन का तो नहीं चक्कर है, कहीं कोई लड़की तो नहीं इसके जीवन में, परंतु ऐसा लगता तो नहीं, मोहल्ले में भी बड़ा अच्छा लड़का है ये, फिर तुमसे इतने झगड़े क्यों हो रहे हैं, बात बात पर कहता है तलाक दे दूंगा तुम्हें, मायके चली जाओ, चली जाती हो तो लाने नहीं जाता, लंबे समय तक तुम्हें छोड़ देता है, खुद ही तुम सहम कर चली आती हो, और कुछ पतियों ने तो हद ही कर दी है, बिल्कुल 4 बरस 6 बरस हो गए हैं, पहुंचा दिया है उसे मायके और अब उसकी सुध भी नहीं लेता, कुछ पति तुम ससुराल में रहती हो और अपने ही घर नहीं आता, कमाने के बहाने बाहर चला गया है, तुमसे कहता है कि तुम वहां हो इसलिए मैं नहीं आता, मुझे तुम पसंद नहीं, तो जब परिस्थितियां इतनी विकट हो जाए, विपरीत हो जाए, और तुम्हारे हाथ में ना हो कि कोई तुम बहुत बड़ा पूजा पाठ प्रयोजन करवा सको, किसी बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास जा सको, उसकी या अपनी कुंडली दिखा सको, तब एक सरल सा घरेलू सा प्रयोग तुम्हारे लिए केवल करने मात्र से, चाहे 7 समंदर दूर तुम्हारा पति क्यों ना बैठा हो, भागा चलाएगा तुम्हारे प्यार में, पागल हो जाएगा, तुम्हारे वश में रहेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम सोच भी नहीं सकती हो कि कैसे वो तुम्हारी काबू में रहेगा, जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ।
कर्म है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िया ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हों, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हों, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक की पेपर क्यों ना बन गए हो, खुद फाड़ कर फेंकेगा, परंतु घर नहीं टूटने दूंगी। हाँ, मैं कहती हूँ कि एक बासी रोटी पर अपनी उंगलियों से कुछ शब्द लिख देने मात्र से तुम्हारा यह बिगड़ता रिश्ता सुधर जाएगा। रोटी, अनाज, बुध है, मंगल है, चंद्रमा है, सब कुछ है, बड़े गुणों से भरा हुआ है यह, शुक्र भी है, अद्भुत है ना रोटी। शनिवार के दिन एक रोटी पकाना प्रेम से, जैसे आटा तुमने गूंथा है सभी परिवार के रोटियों के लिए, उसी में से एक लोया लेना। लोई को गोल गोल करना, मनन करना। मेरा पति बड़ा प्यार करता है मुझसे, बड़े अच्छे से रखता है, मेरे साथ बहुत अच्छे से रहता है वो, और मैं जीवन के हर सफर में साथ चल रहे हैं। गोल गोल करना और अच्छी ये बातें मन में आकर्षित करना, पति का चेहरा, पति का नाम, उसे स्मरण करना, उसकी अनुभूति करना, गोल करना, बेलना, बेलते वक्त भी वही सारी अच्छी बातें। सब कुछ ठीक हो गया है, हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं होता है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। तुमने रोटी पका ली, आटे को लगा लेना, तवे पर रोटी सेक लेना। जरूरी नहीं ये पहली रोटी हो, आखिरी रोटी हो, नहीं, कभी भी एक रोटी बना लेना, इसे मोड़कर अलग रख देना। बाद बाकी तुम और रोटियां बना रही हो, अच्छी बात है, बना कर रख लो सबके लिए। इस रोटी को शनिवार की रात्रि को कोई ना खाए, इसे बासी करना है। अगली सुबह जब तुम सोकर उठो, यानी रविवार का जो दिन होगा, मुझसे एक भी शब्द ना कहना। पहले जाना इस रोटी के पास, किचन के पास जाना, इसी रोटी को निकालना, यह बासी हो चुकी है, चंद्रमा का पूरा असर इस पर आ गया, रात्रि बीत गई, रोटी को खोलना, अपनी उंगलियों से इस पे अपना पार्टनर का नाम लिखना, नीचे अपना नाम लिखना, उंगलियों से, किसी चीज से नहीं, तुम्हें दिखाई नहीं देगा, तुमने अपना पार्टनर का नाम लिखा, पति का नाम लिखा और नीचे अपना नाम लिखा, ऐसे मोड़ना रोटी को, मुंह बंद रखना, एक भी शब्द मत बोलना। बासी मुंह में, बासी रोटी में बड़ी तासीर होती है, क्या कहूँ कि ये कौन सा ग्रह होता है, इसे लेकर जाना और पहला जो भी डॉग दिखे, जो भी कुत्ता दिखे तुमको प्रथम, उसे ये तुम दे देना, वो खाए, लेकिन हैक कर मत आ जाना, उसे देना, वो खाए, चबाए, तुम सामने रहना, खिला देना इस रोटी को। मैं कहती हूँ जो भी ग्रह है, जो भी किया कराया है, टोना टोटका है, जादू मंत्र है, जो तुम दोनों के रिश्ते को खत्म कर रहा है, खा रहा है, वह सब खत्म हो जाएगा आज से। जैसे जैसे कुत्ते के मुंह में जो लार होती है ना, उसमें ये रोटी सनेगी, जैसे जैसे वैसे वैसे तुम्हारा शुक्र जागृत होगा, इतना प्रबल, इतना ऊंच हो जाएगा शुक्र तुम्हारा कि सात समंदर दूर बैठा पति भी भाग कर आएगा तुम्हारे प्यार में, रहेगा तुम्हारे वश में, रहेगा तुम्हारे साथ, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही, रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, बहुत बहुत धन्यवाद।